रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच मामले में पिछले 27 अक्टूबर को आजम खान को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी। अब आजम खान से जुड़ा हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हराकर पहली बार कमल खिलाया था। वहीं 2019 के चुनाव में आजम खुद रामपुर लोकसभा के प्रत्याशी थे। उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी हेट स्पीच का आरोप आजम खान पर लगा था। वहीं आजम खान ने ये चुनाव जीत लिया। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर विधानसभा सीट से लड़ने की वजह से उन्होंने सांसदी छोड़ दी, लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को हार मिली। फिर हेट स्पीच में 3 साल की सजा की वजह से आजम की विधायकी रद्द हो गई, जिसके बाद से विधानसभा उपचुनाव में भी सपा को हार मिली थी। लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है। ये सर आजम खान वाला आज अपील पे सुनवाई थी, क्या मामला था सर? ये 185/2019 वाला क्राइम नंबर का था, मुकदमा था, जिसके हमने अपील फाइल करी थी, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था। आज जो थी अपील में उन्होंने कहा कि जो नीचे का जजमेंट था वो गलत था और हमें उन जितने भी सेक्शन थे हेट स्पीच से रिलेटेड सब में हमें बाइज्जत बरी कर दिया है और हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया। सर ये वही मामला है जो 27 अक्टूबर 2022 में 3 साल की सजा पड़ी थी? जी जी जी। तो इसमें सर जो क्या कहते हैं कोर्ट का क्या फैसला है, दोष मुक्त किया क्या किया? दोष मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजन था, अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया, और जो हमने नीचे प्ली लिखी थी हमें झूठा फंसाया गया, वो हमारी बात मानी गई और ये अपील जो है हमारे फेवर में की एक्विटल कर दिया हमारे। एक्विटल कर दिया, अब सर ये दोष मुक्त हो गया उस मामले से? एक्विटल हो गया, दोष मुक्त हो गया। जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कोच तहसील के चांदनी गांव के भागवत कथा आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब वहां के बच्चे पत्थर बरसाना छोड़कर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। वहीं 9 साल बाद कश्मीर की स्थिति बदली है। पहले तिरंगा झंडा फहराने से लोग यहाँ डरते थे, अब बर्फ की चोटियों में पर्यटक और बच्चे खेल रहे हैं। साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि G20 होने के बाद घाटी में बदलाव दिख रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है। और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। परमानंद जी महाराज जी पधारे थे यहाँ पर और पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी का स्वयं भागवत कथा व्यासपीठ पर बैठकर अपना प्रवचन कर रही। वास्तव में क्षेत्र के लिए कथा आयोजक आदरणीय मूलचंद निरंजन विधायक गौरी शंकर अपने अनुरागी जितने लोग भी हैं इस कार्यक्रम में लगे हैं, वास्तव में पुण्य मिलेगा। और गोला थाना क्षेत्र के मन्नीपुर सहडौली गांव निवासी नित्य प्रकाश राय पुत्र स्वर्गीय सुरेश राय को बीती रात घर में बुलाकर बदमाशों ने गोली मार दी। परिजन उन्हें घायल अवस्था में पहले CHC गोला फिर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में रात में ही अज्ञात के विरुद्ध धारा 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मन्नीपुर सहडौली गांव निवासी नित्य प्रकाश राय भाजपा किसान मोर्चा में गोला मंडल के मंत्री थे। वो अक्सर घर के बरामदे में सोते थे। मंगलवार की देर रात भी लगभग 11:30 बजे घर के बरामदे में सोए थे। वहीं नित्य प्रकाश को किसी ने पहले घर में बुलाया, फिर कुछ दूर ले जाकर प्राथमिक विद्यालय के पास गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुन परिवार के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े और वहां खून से लथपथ पड़े घायल नित्य प्रकाश को लेकर CHC गोला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें रेफर किया और जहां उनके बाद उनका इलाज के दौरान बुधवार की सुबह मौत हो गई। अगली खबर मिर्जापुर से, जहां पडरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहित इंटरनेट के माध्यम से मिले एक युवक से प्रेम कर बैठी और बात यहां तक बढ़ गई कि वो अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई।
जहां अम्बाला पहुंचने पर उसे पता चला कि जो युवक अभय बनकर उसके साथ प्रेम का नाटक कर रहा था वो अभय नहीं आरिफ है। अम्बाला में साथ में रहने के दौरान आरिफ ने न सिर्फ उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, आरिफ लगातार उसे बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने लगा। इसी बीच महिला की बात अपने पति से हुई तो उसने अपनी आप बीती पति को बताई, जिस पर पति ने उसे वहां से वापस आने को कहा और किसी तरह वो वहां से चंगुल से उसके छूट कर वापस आई तो आरोपी आरिफ ने वीडियो और अन्य फोटो उसके पति को भेज दिए और उन्हें धमकी दी वो उसे भेज दे नहीं तो जबरन उसके घर से उसकी पत्नी को उठा ले जाएगा। जिसके बाद से पीड़िता ने मामले को लेकर SP के यहाँ गुहार लगाई। मामला लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का था तो SP संतोष मिश्र ने मामले में खुलासे के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। एक हफ्ते तक कई राज्यों में दबिश थी और छापेमारी के बाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और आरोपी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है और विवाहिता को अम्बाला में रखने के साथ ही उसे लेकर सुल्तानपुर भी गया था जहाँ पर आरोपी के भाई और पिता ने भी उसका साथ दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के भाई को गिरफ्तार करने के साथ ही पिता को भी मामले में आरोपी बनाया है। जनपद मिर्जापुर में एक लव जिहाद धर्म परिवर्तन कम दुष्कर्म का एक मामला संज्ञान में आया था जिसके संबंध में मेरे द्वारा बाइट भी दी गई थी और इसी पे एक मुकदमा पंजीकृत करा के पिछले एक हफ्ते से हमारी टीमें काम भी कर रही थी। बहुत ही जटिल मामला था क्योंकि इसमें कई राज्यों में राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्यादि कई राज्यों में हमको छापेमारी भी करनी पड़ी और फाइनली जो है पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है। इस घटना में सम्मिलित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें कि आरिफ पुत्र तौफीक खां, इमरोज खां पुत्र तौफीक खां, शहाबुद्दीन पुत्र मंसूर अहमद, इन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है फाइनली। और इस घटना से जो सम्मिलित जो प्रूफ है वो भी हमने इकट्ठा कर लिया है। AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आदेश अनुसार AIMIM पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुरादाबाद जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट की अध्यक्षता में मुरादाबाद देहात के गांव कोरबा कु में जाकर थाना भगतपुर एक्सीडेंट के मृतकों के परिवार जनों से मुलाकात की और घायलों का हालचाल जाना और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा मृतकों के परिवार को पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक उनके परिवार को दिया गया। उसके साथ ही 12 लोगों बता दें कि 12 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी और घायल के प्रत्येक परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई और आगे भी हर संभव मदद के ऐलान का वादा किया गया। हमीरपुर में एक बार फिर पटरी दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि नगरपालिका प्रशासन ने 74 दुकानदारों को 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस देते हुए दुकानों पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। ऐसे में रोज कमाने खाने वालों को बुलडोजर का भय दिखाई देने लगा है। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आदेश जारी किया था कि नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा लेकिन चुनाव के मद्देनजर ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब जब नगर निकाय चुनाव हो चुका है तब एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान ने तेजी पकड़ ली है और हमीरपुर सदर नगर पालिका प्रशासन ने मुख्यालय में मुख्यतः 74 दुकानों को चिन्हित किया है जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। वहीं प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों को नोटिस देते हुए 3 दिन की मोहलत दी है। अगर 3 दिन में दुकानदारों ने खुद से दुकानें नहीं हटाई तो एक बार फिर से बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि मुख्यालय के अलग अलग इलाकों में उन्होंने लगभग 74 दुकानों को चिन्हित किया है जिसमें से 3 दिन की मोहलत सभी को दे दी गई है। अगर 3 दिन में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं अतिक्रमण हटवाने में जो खर्चा आएगा वो भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा। अगली खबर प्रयागराज से, जहां साइबर क्राइम ब्रांच ने नकली कोषाधिकारी बनकर 18 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये लोग रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन अपडेट कराने के नाम पर ठगी करते थे। वहीं प्रयागराज में साइबर क्राइम ब्रांच ने नकली कोषाधिकार बनकर 18 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके तार झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं। इनमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अंतर्राज्यीय गैंग के खिलाफ पूरे देश भर में कुल 179 केस दर्ज हैं। इससे पहले इस गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार हुए थे और इस गिरोह के सदस्य
हर राज्य में फैले हुए हैं, जहां जिसको मौका लगता है लोगों से ठगी का शिकार वो लोग बनाते रहते हैं। वहीं सिर्फ प्रयागराज में ही इस गिरोह के ठगी के दो मामले सामने आए हैं, जिसमें गिरोह ने 30 लाख रुपए की ठगी की है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गिरोह ने प्रयागराज में जिन दो लोगों के साथ ठगी की है वो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। वहीं पहली ठगी रिटायर्ड हेड कांस्टेबल भोलानाथ से की, जहां 10 लाख की उन्होंने ठगी की, और दूसरे जो ठगी की है वो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजकुमार से हुई है। इनसे 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। साथ ही पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में झारखंड से 2 और पश्चिम बंगाल से 3 लोग शामिल हैं। जनपद चंदौली में पंचायत भवन चोरों के निशाने पर आ गए हैं। सप्ताह में दर्जनों पंचायत भवन को चोरों ने निशाना बनाया है। एक के बाद एक पंचायत भवन चोरों के निशाने पर है। बता दें कि वहीं आज जगदीश सराय उर्फ हिनौता पंचायत भवन पर चोरों ने धावा बोल दिया और इन्वर्टर बैटरी समेत अन्य सामान को चोर उठा कर ले गए। पंचायत भवन पहुंचने पर प्रधान को जब जानकारी हुई, यहां लगे सीसीटीवी कैमरा पहले से ही खराब देखे गए। ग्राम प्रधान ने सदर कोतवाली में लिखित शिकायत दी और सदर कोतवाली क्षेत्र के जगदीश सराय गांव का की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां चोरों ने पंचायत भवन का इन्वर्टर बैटरी समेत कई सामान चोरी कर लिया। चोरी हो गई है। क्या क्या चोरी हुई? इन्वर्टर का बैटरी और उसके साथ जो लगा हुआ है सब चोर उठा के ले गए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, क्या रहा उसमें? सीसीटीवी कैमरा इसके पहले जो है बिगड़ा हुआ था, अभी तक बिगड़ा है। बनने के लिए मैं बोल दिया था लेकिन अभी तक बना नहीं। इसकी सूचना आपने ऊपर वाले अधिकारी को दिया था कि सीसीटीवी कैमरा बिगड़ा है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस और कोल्ड ड्रिंक से भरे कैंटर के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 35 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार सुन स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को JN मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। अलीगढ़ से 24 किलोमीटर दूरी पर थाना अकराबाद के अंतर्गत हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही भयंकर और भीषण एक्सीडेंट है। लगभग कितने लोगों की मौत हुई होगी? इसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर, रोडवेज प्लस आयसर कैंटर के ड्राइवर, दोनों बुरी तरह फंसने के बाद, तड़पने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया है। और NH के जो बड़े बड़े दावे हुआ करते हैं कि कोई भी स्थिति में आप हमें कॉल करें, 10:33 पर कॉल करें, फुल सुविधा मिलेगी। 10:33 पर कॉल करने के बाद कम से 30 से 35 मिनट में गाड़ी आई। 16 लोग टोटल आए हुए थे यहाँ पे और उनका वैसे प्राइमरी उपचार कराया भी है, उनका कुछ हेड इंजरी भी हैं और कुछ वैसे फ्रैक्चर्स भी हैं। लगभग हमने रेफर कर दिए मेडिकल कॉलेज को प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में। तो इसमें कुछ मासूम बच्चे भी हैं? हाँ, वो दो बच्चे हैं, दो साल के, 4 साल के भी बच्चे भी हैं और 14-15 साल के भी कुछ लोग हैं उसमें। तो कितने तो मतलब घायल तो की संख्या थोड़ा ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल पे कितने लोग? लगभग टोटल अभी भी हमारे पास 16 लोग अभी आए हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चों को लगाकर भी। मुरादाबाद में एक व्यक्ति ट्रेन से गिरकर चोटिल हो गया। घायल व्यक्ति ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा था। इसी बीच चोर ने व्यक्ति के हाथ से मोबाइल छीना, जिसके चलते व्यक्ति के गेट से गिरकर चोटिल हो गया। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 नंबर पर पुलिस को दी। डायल 112 नंबर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने चोटिल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और चोटिल व्यक्ति बिहार के मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां घटना मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की बताई जा रही है। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह। ये सूचना हमारे लिए 112 नंबर मिली थी कि एक व्यक्ति हरतला फाटक से पहले खंबा नंबर 119 के बीच में गिर गया है और हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, पर पीछे से एम्बुलेंस भी तुरंत पहुंच गई। वहां पब्लिक जो थी उसके परिवार उस सबकी मदद से, पब्लिक की मदद से इसको तुरंत एम्बुलेंस में लेके और हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी की घायल को जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। दूसरी बात, उसके परिवार वालों के लिए मैंने चौकी इंचार्ज साहब को बता दिया, नाम उनका पता मोबाइल नंबर, उसके परिवार को सूचना मिल जाए। क्या नाम है? इसका नाम है सर जी मदन कुमार, इसके पिताजी का नाम है राजन प्रसाद, ये मोतिहारी बिहार का। अच्छा,
क्या लगता है ट्रेन में कैसे गिरा, क्या होता है? अब ये जो लोग वहाँ के ये बता रहे थे, किसी आदमी ने इसका मोबाइल छीना, मोबाइल ट्रेन हल्की होगी, तब ये अपने मोबाइल को लेने के लिए नीचे गिरा होगा, तभी चोट लग गई इसके पैर में चोट है, उसके इसमें दाहिने सर में भी चोट है।